लड़की का नाम परीक्षित जी रुक्मणी रख दिया और ये भी बता दिया तुम्हारी बिटिया की शादी जो द्वारिका के रहने वाले भगवान कन्हैया है उनके साथ में हो। भीष्मक नाचने लगे। अब परीक्षित जी धीरे धीरे वो लड़की बड़ी होने लगी। एक दिन एक महात्मा जी गुनगुनाते निकले क्या कि ब्रजभूमि में हुआ है परीक्षित जी रुक्मणी ने ये सुना जब पंडित जी के मुख से तो रुक्मणी अकेली बैठी है और सोच रही मन में कि सोचने लगी Oh,
रुक्मणी परीक्षित जी सोच रही मन में, माया तो इस जगह निवास कर चुकी है लेकिन मायापत किधर सो रहे हैं। रुक्मणी उठते गाते चलते फिरते खाते सोते भगवान के गुणगान गाने लगे। एक दिन रुक्मणी आंगन में बैठी है और खेल खेल रही है गुड्डा गुड़िया का। रुक्मणी की मैया बोली, बिटिया क्या कर रही हो? रुक्मणी बोली, मैया मैं गुड़िया गुड्डा का खेल खेल रही हूँ, यानी कि गुड्डा की शादी गुड़िया से करवा रही हूँ। उसी समय रुक्मणी के माँ के दिमाग में झटका लगा कि मेरी भी बेटी गुड्डा के लायक हो गई। तो रुक्मणी ने बांदी को बुलाया और कहा, मेरी बात सुनो बांदी। अरे बंदिया रही बुलाए रानी ने और के दई बात समझाई। और मेरे सजना को टेरोए मेरी दासी ने, रानी ने बांदी को बुलाया और कहा, जाओ मेरे महाराज को बुला के लाओ। तो आज बताया गया है, रानी ने बांदी से जब महाराज भीष्मक को बुलवाया तो भीष्मक आए, कहिए रानी क्या बात है? रानी बोली, तुम्हें नहीं पता है महाराज, घर में लड़की कुंवारी है। अगर जवान लड़की घर में कुंवारी है, माँ बाप देखते हैं उन्हें पाप लगता है। तुम ऐसा करो, कोई सुंदर सा लड़का देखो, अपनी बिटिया के पीले हाथ कर दो। भीष्मक बोले, रानी चिंता मत करो। भीष्मक दरबार में पहुंचे और बोले, देखिए आज चाहे कोई छोटा हो चाहे बड़ा हो, सभी को बराबर बोलने का हक दिया जा रहा है, क्योंकि आज मैं अपनी बिटिया की शादी कर रहे हैं। तो परिचित जी लिखा गया कि दरबार में पारी पारी सो और राजन की नाम जिना गिनाने लगे। दूसरे लोग उन राजाओं के गुणों अवगुणों को बता रहे परीक्षित जी। सुबह से शाम हो गई लेकिन रुक्मणी के लायक कोई लड़का नहीं मिला। तो भीष्म का छोटा बेटा बोला, भीष्म का छोटा बेटा कहने लगा, महाराज कहिए। Thank you.
भीष्म का छोटा बेटा बोला, पिताजी हमारी नजर में एक बहुत सुंदर सा लड़का है। बोले कौन सा है? बोले तुम्हें नहीं मालूम है, जो द्वारका के रहने वाले भगवान कन्हैया है, अगर उनके साथ में हमारी बहन की शादी हो जाए तो कैसा रहेगा? भीष्म बोले बहुत सुंदर बेटा, तुमने तो मेरे मन की बात ही छीन ली। तब तक भीष्म का बड़ा बेटा रुकुम बोला, पिताजी ओए, उस कन्हैया के साथ में और मेरी बहन की बातें कदाप नहीं हो सकता, क्योंकि कि मेरे सामने और बबुला और ये चार नहीं चल पाई। तुम उसके साथ में मेरी बहन की बात कर रहे हो, कदाप ये शादी नहीं हो सकती है। भीष्म बोले बेटा रुको, अगर तुम्हारी नजर में कोई लड़का हो तो बताओ, चीख क्यों रहे हो, चिल्ला क्यों रहे हो? बूढ़े बाप कहिए, अब खुलेगी तुम्हारी आंखें, बोलो बेटा मेरी सुनो। हाँ शादी होगी तो मेरी मर्जी से होगी, तो तुम भी बताओ तुम्हारे नजर में। हाँ मेरे नजर में एक लड़का है। कौन है? बहुत पैसे वाला है। कौन है? चंदेली का रहने वाला है। क्या नाम है? बहुत दिल वाला है। नाम क्या है? रिश्ते में हमारा साला है। कोई ऐसा करता है अपनी बहन की शादी अपने साले के साथ में करता है? साले के साथ करेंगे, हमने कुछ दिन बहुत दिन उसने हमसे जीजा कहेंगे, हम उससे जीजा कहेंगे, तो हमसे जीजा, हमसे जीजा, जी जी जीजा।
तुम पागल हो गए हो लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है पिताजी तुम्हारी होते कट गई, पीछे को हट गई। क्यों? क्योंकि तुम्हारी